नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 में एक्सरसाइज 4.1 पर कुछ आलेख आपको बताएंगे, आलेख का परिचय देंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल एक एक टॉपिक विश्लेषण के साथ बताएंगे तो 4.1 बिल्कुल आज से क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने का समय ये दे रखा है। ये चार्ट है, ये चार्ट नहीं देखना है, ये चार्ट किसी दूसरे क्वेश्चन का है, ठीक है। तो ये इसका चार्ट है, अब इस पर क्वेश्चन कुछ किया हुआ है, ये क्वेश्चन ये है और इसके हिसाब से ये चार्ट बनाया, ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आय चित्र। क्या बोलते हैं? आय चित्र, ठीक है ना। और यदि हम इसको अलग अलग करके बना देंगे, हटा हटा करके, देख रहे हैं ना, बीच में सटा, ये सटा हुआ है, देख रहे हैं ना, बट ये हट कर रहेगा तो ये दंड आलेख हो जाएगा। तो आलेख का भी परिचय करा देते हैं, सट करके रहेगा तो आय चित्र होगा, अलग अलग होगा तो दंड आलेख होगा। तो ये आयचित्र और दंडालेख आपको समझ में आ गया होगा, दंडालेख और आयचित्र में पहला अंतर मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए आपको बताते हैं, इसको पढ़ करके कुछ क्वेश्चन सेट किया है उसको बताते हैं। क्वेश्चन और पहला पूछा है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा? तो अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 से 5 ही घंटा तक पढ़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी 28 है ना। और ये बुक में आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ज़्यादा ये आपको विद्यार्थियों को पढ़ने का समय दिया है इस पर, और ये विद्यार्थियों की संख्या दिया है, ये 4 का इंटरवल लिया है, इसे 1, 2, 3 का लिया गया, समझा गया। तो अधिकतम विद्यार्थी 4 से 5 ही घंटा पढ़ा है, जिसमें 28 विद्यार्थी शामिल है। आगे आइए, 5 घंटे से कम समय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 5 घंटा से कम, देखिए 5 घंटा यहाँ तक हो जाएगा, ये 6 घंटा, ये 7 घंटा, तो 5 घंटा से कम, तो ये नीचे वाला सगरी हो जाएगा, मैंने 28, 20, 8, 4 वही जोड़ दिया, 28, 20, 8, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60। आइए क्वेश्चन नंबर, इसमें एक और पूछा है, कुल विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में कितना पढ़ा है? तो सगरी अवकाश है, अवकाश का मतलब छुट्टी के समय, सब अवकाश के समय पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इसको जोड़िएगा 4, 8, 20, 28, 16, 12 ये सबको जोड़िएगा, वही जोड़ दिए कुल विद्यार्थी, तो ये 88 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट पीस में पूछा है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है? तो किस अंतराल की है सबसे अधिक? तो 4 से 5 की, किसी इसी दिन इसी की बारंबारता सबसे, तो 4 से 5 वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला है अपनी कक्षा के द्वारा, है ना, कक्षा के छात्रों के द्वारा आपको ये बात बताना है, यहाँ पे द्वारा लिख सकते हैं, द्वारा जूते या चप्पल की माप को एकत्र करना है। जैसे कक्षा में बच्चों से कहना है कि देखो अलग अलग बच्चों का माप पूछो कितना है, किसका माप कितना है, किसी का 7 नंबर लगता है, किसी का 8 नंबर लगता है, किसी का 6 नंबर, किसी का, ऐसे करके बच्चों का जो जूते चप्पल पहन कर रहते हैं उसकी माप जो है पूछना है और उसका एक चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे जूते की माप मैंने लिख लिया, वहाँ पे बारंबारता, और मिलान चिन्ह खींचना है। आइए आपको मिलान चिन्ह बताते हैं। तो ये बच्चों ने कलेक्ट किया 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, तो 8 नंबर के जूतों की माप जो है 12/8 है, 7 नंबर के जूतों की माप 10 है, 6 नंबर के जूतों की माप 7 है, 5 नंबर के जूतों की माप 5 ही है। अब इसका मिलान चिन्ह कैसे खींचना है? तो 1, 2, 3, 4 एक काटेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कहीं यहाँ पर 3 हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3 बार खींच देंगे, समझा गया। इसी तरह से 6 नंबर वाले कितना जूते हैं? तो 7 को, तो इसको खींचेंगे 1, 2, 3, 4 काटेंगे 5, 6, 7। 10 के लिए उसी तरह से 1, 2, 3, 4 काटेंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 और 5, 10 हो जाएगा। इस तरह से 8 नंबर का 12/8 है, तो 1, 2, 3, 4 एक काटेंगे 5, 1, 2, 3, 4 काटेंगे 5, 1, 2। तो कुल मिलाकर के इस तरह के सवाल को ऐसे ही बनाए जाते हैं, आपको मिलान चिन्ह आना चाहिए, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 5 की जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 समझा देंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, उसमें संख्या लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 जो बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर दे रखा है ऐसे ही,
क्वेश्चन नंबर जिस तरह से एक हमने बनाया है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर चार भी बन जाएगा, इसलिए दो क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। आप इसको बनाइएगा, दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बता देंगे। तो पाँच नंबर सवाल देखिए, उसमें लिखा हुआ है किसी बच्चे ने, राजू नाम का एक लड़का है, जो क्या किया है, कपड़ों के रंग को कलेक्ट किया है और बताया है कि कौन सा कलर के कितने कपड़े हैं। जैसे वाई मैंने येलो रंग के कपड़े, मैंने पीले कलर के कपड़े जो है सात हैं, है ना, व्हाइट यानी वो डब्लू मैंने व्हाइट, इसका आठ है, आर मैंने रेड लाल कलर के कपड़े की संख्या जो है वो दस जमा किया है, बी मैंने ब्लैक कलर के कपड़ों का जो है वो पाँच कपड़े जमा किया है, और वो मतलब अन्य है ना, ऑरेंज मतलब समझ लीजिएगा यहाँ पे, वो मैंने अन्य जो है अन्य कलर के कपड़े को सात जमा किया है। तो इसका पूछा है आप पहले सारणी बनाइए, तो मैं सारणी बना रहा हूँ। दूसरा नंबर इसका चित्र बोला, आय चित्र दोनों खींच के दिखाऊंगा, आप बिल्कुल एकदम मज़े से सीख जाएंगे, कोई शक नहीं है। आइए ये हमने सारणी तैयार कर लिया है, लिखेंगे कपड़ों का रंग, मिलान चिन्ह, बारंबार ये लिखेंगे। उसके बाद अब सात वो है, तभी सात वहाँ पे खींचने को सिखाएं, एक दो तीन चार एक काटेंगे तो पाँच छः सात, ठीक है। आठ का इसे खींचना है, एक दो तीन चार काटेंगे पाँच, एक दो तीन आठ हो जाएगा। दस का खींचना है, एक दो तीन चार काटेंगे पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच दस होगा। फिर ब्लैक का पाँच होगा, तो एक दो तीन चार काटेंगे पाँच, और ये सात का एक दो तीन चार पाँच। तो इस तरीका से ये जो है आपके जो है जो कपड़े के जो रंग है इसका जो ये सारणी बन गया। अब आइए इसका आय चित्र आपको खींच के बताते हैं। तो आय चित्र देखिए, इसी का आय चित्र मैंने यहाँ बनाया है, क्योंकि जगह वहाँ पे नहीं था और जगह की कमी से मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर यदि आपके पास NCERT बुक है, क्वेश्चन नंबर पाँच देखिएगा, यही लिखा हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर देख, ये वाला इसका चाय चित्र, आय चित्र का मतलब सटा करके अभी हमने सीखा है। तो ये पीले रंग का कितना है, सात है, तो यहाँ पे इसका मतलब है आठ और छः के बीच होगा, यहाँ पे सात होगा, तो इस सात का खींच लीजिए। फिर वाइट का कितना है, आठ है, आठ के सामने खींच लीजिए। फिर लाल का कितना है, दस है, दस के खींच लीजिए। इसके बाद इसी तरह से ये जो है, फिर जो है बी ब्लैक कितना है, छः होगा, तो छः के सामने खींच लीजिए, देख रहे हैं ना, सटा के खींचना है। फिर ये अगला क्या है, अन्य कितना है, सात है, तो इसके बीच में खींच लीजिए। तो इस तरीके से ये जो है आय चित्र तैयार होता है, किसका, क्वेश्चन नंबर पाँच का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पाँच जो है कंप्लीट होता है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है एक बार में क्लियर नहीं हो पाते हैं, उसको दो बार तीन बार चार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप इस वीडियो को तीन बार चार बार पाँच बार जितना बार इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको देखिए, ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं आपके भाषा में, जिससे कि आपकी मैथ में पकड़ बने और मैथ आपका अच्छा हो। और ये चैनल इसी उद्देश्य से बनाया गया, ताकि आपका मैथ इम्प्रूव हो सके। इस वीडियो को अंत तक देखने